Hello class 9, good morning, and we have to start our new unit, that is 1G of number system. So in this video we have to see some important fact on the basis of some questions. So let's start from the first question. Like देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि है 8 पे पावर माइनस 2 अपॉन 3, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इंटू 2 पे पावर 1 अपॉन 2 इंटू 25 पे पावर माइनस 5 अपॉन 4, अगेन डिवाइडेड बाय 32 पे पावर माइनस 2 अपॉन 5 इंटू 125 पे पावर माइनस 5 अपॉन 6, ठीक है. और आपको क्या प्रूफ करने हैं, रूट टू. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपको ये आरएचएस में प्रूफ करने हैं. तो देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ. 8 को यहां पे लिख सकते हैं ना 2 से 4 और 2 से अगेन 2, तो 2 पे क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, राइट. फिर इंटू है माइनस 2 अपॉन 3 हमारे पास, एंड देन देखो यहां पे 2 पे पावर 1 अपॉन 2 है, वो ऐसे ही रहेगा. फिर 25 पे बताओ क्या कर सकते हैं. 25 को देखो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 5 यानी कि 5 पे पावर 2 होगा एंड इनटू माइनस 5 अपॉन 4, राइट. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंड देन डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस टर्म को, 2 से 16 टाइम, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यही हो गया ना, और तो कुछ है नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पे पावर 5 इंटू माइनस 2 अपॉन 5, एंड देन वी हैव टू राइट इंटू है 125, तो 125 को कैसे लिख सकते हैं बताओ. 5 से दे दो, 5 से जाएगा ये 25 टाइम्स में, एंड देन 5 से 5, तो 5 पे क्यूब इंटू हमारे पास है माइनस 5 अपॉन 6, सॉरी माइनस 5 अपॉन 6. चलो ये तो हो गया. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं. देखो ये 3 कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूं ना 2 पे पावर माइनस 2, राइट. और ये तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो 2 पे पावर क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 ही रहेगा. देखो ये मैं कर सकता हूं ना कि 2 से 2 टाइम्स कटेगा ना, तो मैं लिख सकता हूं इंटू 5 पे पावर माइनस 5 अपॉन 2. ये तो रहा हमारे पास न्यूमरेटर में, क्योंकि ये डिवीजन है यहाँ पे, तो अब इसे करते हैं. देखो ये 5 कैंसिल, ये देखो 2 टाइम्स में, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, 2 पे पावर माइनस 2 इंटू 5 पे पावर क्या होगा, माइनस 5 अपॉन 2. तो ये है हमारे पास, राइट. अब क्या करेंगे बताओ, सो सिंपल है. सिंपली देखो ये डिवीजन है ना, तो क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर इंटू 2 पे पावर 1 अपॉन 2 इंटू 5 पे पावर माइनस 5 अपॉन 2. डिवीजन मैं दे देता हूं यहां पे, फिर 2 अपॉन 2 पे पावर माइनस 2 इंटू 5 पे पावर माइनस 5 अपॉन 2. देखो ये टर्म्स कैंसिल एंड ये टर्म्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो रहा, 2 पे पावर 1 अपॉन 2 विच इज रूट टू, है ना. तो ये हो गया आपका प्रूव्ड. कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, और इसी पे बेस सारे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है. तो मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. देखो बिगर ब्रैकेट 7, मिडिल ब्रैकेट 81 पे पावर 1 अपॉन 4 प्लस 256 पे पावर 1 अपॉन 4, मिडिल ब्रैकेट 1 अपॉन 4 एंड बिगर ब्रैकेट पे पावर 4 इक्वल्स टू, प्रूफ करना है 16807. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इस बेस पे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं. वी कैन राइट इट एज बिगर ब्रैकेट हमारे पास 7 यहाँ पे है और 7. अब ये देखो 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट रहेगा. 81 को मैं लिख सकता हूँ, जिस अगर फैक्टराइज करूं तो मैं 3 टाइम्स में 27, फिर 3 से 9 एंड 3 टू 3, यानी कि 3 पे पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4, राइट. एंड देन हमारे पास प्लस है, 256 को कैसे फैक्टराइज करेंगे बताओ, 4 से 64. अपॉन 4 एंड बिगर ब्रैकेट पे पावर 4 है. चलो अब क्या करेंगे बताओ, ये देखो 4 कैंसिल, ये 4
कैंसिल है ना, तो इट मीन्स कि हमारे पास बिगर ब्रैकेट सेवन पावर है 1/4 एंड बिगर ब्रैकेट में भी जाएगा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेवन पे पावर यहाँ पे फोर इंटू हमारे पास है सेवन पे पावर 1/4 एंड इंटू फोर राइट। तो ये कैंसिल, हमारे पास सेवन पे पावर फोर था एंड इंटू एक सेवन विच इज नहीं तो कुछ वन पावर होते हैं, तो ये कितना हो गया सेवन पे पावर फाइव। अब तुम सेवन को फाइव टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, थ्री फोर एंड फाइव, ये आपको 16807 ही आएंगे ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। ऐसे भी देखो अगर ये कैलकुलेशन नहीं करना है, देखो 7 7 49 9 रहेगा, 9 6 63, तो लास्ट में थ्री डिजिट होते हैं ना, लास्ट में थ्री है, 7 3 21 लास्ट में वन रहेगा और 7 2 1 7 लास्ट में सेवन है, तो इस बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सही है। ओके लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है हमारे पास 12 पे पावर 1/5 अपॉन 27 पे पावर 1/5 पे पावर 5/2, तो कैसे करेंगे बताओ। देखो सिंपली वी नो दैट ये जब फैक्टर हटाएंगे तो हम लोग ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ ना 12 पे पावर 1/5 इंटू 5/2 अपॉन 27 1/5 इंटू 5/2 ठीक है। तो देखो ये 5 5 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, तो हमारे पास हुआ 12 पे पावर 1/2 एंड देन 27 पे पावर 1/2, तो 1/2 मतलब क्या है, तो इसका मतलब रूट अंडर 12 है एंड देन हमारे पास कितना है यहाँ पे रूट अंडर 27। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ, रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं ना रूट अंडर 4 इंटू 3 और 27 को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 3। अब ये बताओ रूट फोर का क्या वैल्यू क्या होगा, 2, हमारे पास रूट थ्री रहेंगे ऐसे ही और नीचे फिर रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होगा 3 और रूट थ्री हमारे पास ऐसे ही रहेगा, तो ये कैंसिल इक्वल्स टू 2/3 हो गए इसके आंसर ठीक है। तो देखो इस बेस पे हम लोग कई सारे सवाल बना सकते हैं।